मिस्टर क्लीन, दो बीस्ट यहाँ पर खड़े, एक अभी अपना इंटरसेप्टर है, तीनों लोडेड है, ठीक है जी। क्योंकि लेमिनेशन के बाद यहाँ पर क्रैश गार्ड हो गया, ये चेकआउट कर सकते हो आप। कुछ इस तरीके से लुक दे देते हैं आपको, काफी स्पोर्टी लुक है इसका। सीट कवर इसका चेंज है जो काफी फिनिशिंग से दिया गया है। बैक साइड में देखो इसकी विजिबिलिटी कितनी है, एक बार को ना देखे तो नीचे देखो आप, हो सकते हो पोजिशन जो है वो चेंज कर सकते हो। इसमें यहाँ पर इंडिकेटर के तौर पर ले लिया है, दोस्तों कैसे आप सब। मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल SKD Vibeworld। ये लोकेशन आपको मिलने वाली है दिल्ली करोलबाग नाईवाला मार्केट में, SKD Vibeworld पर कर आपको आना है। यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोगों के सामने है रॉयल एनफील्ड GT Continental 650 मिस्टर क्लीन, दो बीस्ट यहाँ पर खड़े, एक अभी अपना इंटरसेप्टर है, तीनों लोडेड है। लेकिन इसकी वीडियो आप लोग देखते रहते हो, बात करेंगे इस पर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, तो यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करो, जो बहुत ही जरूरी है जो बाइक लेने के बाद आपको सबसे पहले करानी है, वो है दो चीज़ें, PPF लेमिनेशन और क्रैश गार्ड। तो PPF लेमिनेशन देख लो एक बार इस पे मिस्टर क्लीन पे, PPF लेमिनेशन इस वाली बाइक पे भी हो रखी है, इस वाली बाइक पे भी हो रखी है, ठीक है जी। PPF लेमिनेशन के बाद यहाँ पर क्रैश गार्ड हो गया, ये चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि जिस कलर की बाइक थी उस कलर का क्रैश गार्ड। बाकी ब्लैक लगवाना हो तो ब्लैक भी मिल जाएगा, इस साइड से भी दिखाना एक बार, तो ये देख लो लुक। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्रैश गार्ड और हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन के हैं, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इस वाली बाइक में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये देख लो जी। इसके अलावा इसमें हमने लगाए मिरर रॉयल एनफील्ड वाले, जो कि आप कुछ इस तरीके से लुक दे देते हैं आपको, काफ़ी स्पोर्टी लुक है। बाकी अगर आप लोगों को वाले मिरर लगवाने हैं तो वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, इस तरीके के ऑप्शन भी है अपने पास, ये देख सकते हो गाइस। सेम यहाँ पर भी है मिरर, ये लो जी, सेम मिरर इस तरफ भी आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अंदर देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल एंड सम्प गार्ड, सेम उस साइड में भी देख सकते हो। रेडिएटर ग्रिल बहुत ज़रूरी है रेडिएटर की सेफ्टी के लिए, सम गार्ड इसलिए क्योंकि इसका ऑयल फिल्टर बाहर की तरफ होता है, कोई पत्थर लगता है डैमेज हो सकता है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सेम वर्क हो रखा है, थाई पैड्स लगे हुए हैं इसमें, एंड कुछ इस तरीके के यहाँ पर ग्राफिक है, सेम ईयर ये देख सकते हो गाइस। अच्छा, इस वाली में क्या है, इसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग दी गई है, लेकिन इस वाली में सीट कवर चेंज कराया गया है, जो कि कुछ देख सकते हो जो कंपनी का आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो इसका सीट कवर इसका चेंज है, जो काफ़ी फिनिशिंग से दिया गया है, स्टिचिंग वगैरह से लगेगा नहीं कि आपने आफ्टर मार्केट वर्क करा रखा है। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, इसको इग्निशन ऑन करके बैक साइड में देखो इसकी विजिबिलिटी कितनी है। सिमटेक हज़ार लगा हुआ है, LED बल्ब, लेकिन अगर हम इसको एक बार को ना देखें तो नीचे देखो आप कितना फोकस है। तो इसमें अपने पास येल्लो भी मिल जाएंगे जिन लोगों को येल्लो लगवाना है। सेम इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले इसकी आप देख सकते हो बैक लाइट, जो कि कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। सेम ये मेरी पर्सनल बाइक में भी लगा हुआ है और भैया ने इसमें भी लगवा रखा है। तो इसमें आपको दिखा देते हैं फोकस। तो पहले आप बैक लाइट देख लो, मैं उसको दिखा देता हूँ, आप ऑन करो उसको। ब्रेक पे देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। सेम इंडिकेटर इसमें भी लगे हुए हैं, सेम इंडिकेटर वाली में भी है, देख लो जी, ठीक है। अब आप देखो गाइस तीनों का लुक किस तरीके से आ रहा है भाई। अभी देखो रात में ही इसका मज़ा है, और जो राइडर्स वगैरह हैं वो फ्रंट में तो कर लेते हैं लाइटें वगैरह, लेकिन बैक साइड में विजिबिलिटी थोड़ी सी कम रह जाती है, तो इस तरीके की आप लाइट्स लगवा सकते हो। मेरे में क्या है, येलो लगी हुई है, ऑरेंज भी कह सकते हो आप, बाकी इसमें रेड लगवा दिए, आप लोग चाहो तो ऑरेंज भी लगवा सकते हो। पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हो, इसमें यहाँ पर इंडिकेटर के तौर पर ले लिया है, बाकी यहाँ पर स्टॉप लाइट के तौर पर ले लिया है, यहाँ पर फुटरेस्ट लगे हुए हैं, ये देख सकते हो एग्जॉस्ट। हेलमेट पहनी लिए, काम वगैरह बात कर लेते, कैसी लगा? उतार लेते भैया, उतार लो यार, थोड़ा सा जरूरी है ये भी, आज आप मेरा इंटरव्यू ले लो उल्टा। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया का जो ग्रुप वगैरह भी है, तो उसके बारे में अगर करना चाहे कर सकते हैं, बाकी इन्हें काम कैसा लगा उसके बारे में बात कर लेंगे, कुछ इनकी इंस्टाग्राम आईडी जिस पर ये अपनी कलाकृतियां दिखाते हैं। बाकी भैया आपको पता ही है हम क्यों आए, पहले क्यों नहीं आते आपको शायद देखो, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे हम। हाँ। इतना पता है कि काम सबका अच्छा होना चाहिए, चाहे कहीं से भी करा रहे हो आप। बाकी जब से भैया की पर्सनल दुकान पता चली, आज शायद सेकंड डे था। हाँ, हम सेकंड डे से अभी सर बताऊँ आपको, ओपनिंग नहीं हुई, 24 तारीख को होगी, तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए ओपनिंग है।
जो आप लोग काम करा सकते हो। वैसे बेसिकली जो है वो अभी ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन आप लोग काम करा आ सकते हो जब मर्जी, ठीक है। 7 days ओपन। काम के बारे में बात कर लेते हैं भैया, काम अच्छा है, स्पेशली जैसे पता चला इनने अपनी दुकान ली तो हम सीधा गुड़गांव से यहाँ पर चल के आए, ऐसे काम कर। बहुत बहुत सही काम है भैया आपका, और इसने ही बताया मेरे को कि आप मतलब आपका शॉप अभी खुला है तो चलते हैं भैया पे काम करा लेते हैं। और अगर कोई व्यूअर्स आना चाहते हैं यहाँ पर तो आ सकते हैं। हाँ जी, हम अपने फ्रेंड्स को ले आएंगे यहाँ पे, जो काम वाम कराना हो अच्छा सा। और जीटी के ग्रुप खड़ा हुआ है यहाँ पर एक भाई साहब, अभी तो फिलहाल 2 GT यहाँ पर लगी हुई है, आप लोगों ने देख ली है, पर यहाँ से दिखाना इस एंगल से कतई जहर। मेरी इंटरसेप्टर की भी थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई राइडर के साथ, वरना ये तो सिर्फ तैयार कर रखी है, गए आज तक नहीं हम राइड पे। तो भाई अभी किस तरह, हाँ अभी किस तरह में तो ये था भाई, कोई भी आएगा डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन खत्म कर दो। पहले क्या था, जब क्या था, आपके भाई का अपना खुद की छोटी सी दुकान हो गई है करोल बाग में, थोड़ी सी दुकान ही है, बाकी आप जब आओगे तो आप लोगों के लिए सब कुछ मिलेगा। पीछे तक बहुत छोटी है। अभी भाई लोडिंग चल रही है भैया, भैया का नेचर बहुत बढ़िया है, बेस्ट है भैया, और प्राइस भी सही लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी सर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।